हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं पकौड़े की रेसिपी, जो कि बहुत ही हेल्दी है। और ठंडी के मौसम आ गया है तो हमें सर्दी खांसी की प्रॉब्लम होती रहती है, तो ऐसे में आप इस पकौड़ी को बना के ज़रूर खाएं, आपको बहुत राहत मिलेगी। ये सर्दी खांसी में बहुत काम आती है, तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। हमने यहाँ पर दो आलू, दो टमाटर और एक प्याज और एक बड़ी साइज़ की लहसुन लिया हुआ है, तो चलिए हम इन्हें पका लेते हैं। इन्हें पकाने के लिए हमने चूल्हे का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो इसे गैस में भी पका सकते हैं। यहाँ पर हमने आग बना के रखा हुआ है, तो यहाँ पर हमने रॉड लगाया हुआ है चूल्हे में, तो हम इसे रॉड के ऊपर में इस तरह लगा देंगे। अगर आपके पास रॉड ना हो तो आप इसे आग के ऊपर भी रख सकते हैं। दोस्तों, इन्हें हमें 10 से 15 मिनट इसी तरह छोड़ देंगे। और आप देख सकते हैं ये 10 से 15 मिनट हो गया है, ये अच्छे से पक गए हैं, आप देख सकते हैं। इसे हमने एक बार उल्टा दिया था बीच में, तो चलिए इन सबको हम निकाल के एक बर्तन में रख लेते हैं। हमने इन सभी को निकाल लिया है, चलिए इन्हें छील लेते हैं। हमें इसे धोने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं हमने इसे नहीं धोया है, ये बिल्कुल साफ़ होकर निकल आया है। आप देख सकते हैं हमारे लहसुन कितने सुंदर पक गए हैं। तो यहाँ पर हमने कटोरी लिया हुआ है, कटोरी में हम सभी टमाटर, आलू, प्याज और लहसुन को डाल देंगे। और आप देख सकते हैं प्याज को हम यहाँ पर काटने वाले हैं, प्याज को हमें छोटे छोटे काट लेनी है, आप इसे अपने अनुसार भी काट सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर पकौड़ी बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच भर के बेसन दिया हुआ है, और यहाँ पर हम देंगे कॉर्नफ्लावर या राइस फ्लावर, आपके पास जो उपलब्ध है आप उन्हें डालें। यहाँ पर हमने 2 चम्मच डाला हुआ है, और यहाँ पर हम आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, और स्वाद अनुसार हम यहाँ पर नमक डाल देंगे, और आधा चम्मच हमने यहाँ पर साबुत जीरा डाला हुआ है, जीरा ऑप्शनल है, आप चाहे तो ना डालें। और यहाँ पर हमने 2 हरी मिर्चा काट के डाले हैं, अगर आपके पास चिल्ली पाउडर हो तो चिल्ली पाउडर भी डाल सकते हैं, और तीखा अपने अनुसार आप दे सकते हैं। यहाँ पर हम इसकी एक डो बनाएंगे, पहले हम इसे हाथों से अच्छे से गूंथ लेंगे, अगर ये टाइट लगे तो आप इसमें हल्का पानी डाल सकते हैं। दोस्तों, हमने इसे अच्छे से हाथों से मसलते हुए इन्हें गूंथ लिया है, आप देख सकते हैं ये बन के रेडी हो गया है। अगर आपको थोड़ी सख्त लग रही है तो आप यहाँ पर 1-2 चम्मच पानी डाल सकते हैं। दोस्तों, पकौड़े तलने के लिए हमने यहाँ पर ऑयल गर्म होने दे दिया है, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल या सरसों का तेल, जो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तेल को हमने हाई फ्लेम में गर्म कर लिया है, तो चलिए इन्हें हम मीडियम फ्लेम में रखते हैं और सारी पकौड़ियों को डालते जाएंगे। दोस्तों, 2 से 3 मिनट हो गया है और ये लाल होने लग गए हैं, तो चलिए इन्हें उल्टा देते हैं, और इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। ये जब तक लाल हो जाएंगे तब तक हम इन्हें तल लेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये अच्छे से लाल हो गया है, और हमने इसे 2 से 3 बार उल्टा पुल्टा के इन्हें अच्छे से पका लिया है, तो चलिए इन्हें हम उतार लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर कड़छी में उठा के रखा हुआ है, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल सके। दोस्तों, ये बन के रेडी हो गया है, हम इसे गर्म गर्म ही सर्व करने वाले हैं। यहाँ पर हमने टमाटो का सॉस ले लिया है, आप चाहे तो दूसरा कोई पुदीना का चटनी भी बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।